Assalamualaikum, good morning. I hope सब ठीक होंगे. मेरा लास्ट आपने डेली ब्लॉग देखा होगा, मेरा फर्स्ट है तो अब ये सेकेंड आने वाला है. एज यूजुअल मुझे आज भी सेम नाश्ता नहीं करना था, थोड़ा डिफरेंट करना था. तो मेरे पास रखा हुआ था रात का आलू, रखा हुआ था मसाले वाला, तो वो मैंने लगा दिया है ब्रेड के ऊपर. मैंने रात को ही सोचा था मुझे खाना क्या है सुबह, और उसके साथ ही मैंने लगा दिया ये चिकन स्प्रेड. ये मैंने चिकन स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा लगाया आज, क्योंकि दिल चाह रहा था इसलिए ज़्यादा लगा लिया. बस एक हाथ से हैंडल नहीं हो पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक दूसरे के ऊपर कैसे रखूँ. फाइनली हो गया था प्लग ऑन करना और सैंडविच मेकर खोल के जल्दी से अपना सैंडविच रख देना है सैंडविच मेकर में. कभी कभी नाम है ना मुँह से निकलता ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से निकला था सैंडविच मेकर में. रात में जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सुबह क्या खाना है, तो मैंने सोचा था कि इमली का सॉस डालूंगी, बहुत मजे का होता है. मैं इसको बगैर किसी चीज़ के ऐसे ही स्पून से भी खा लेती हूँ, लाजमी लें, बहुत पसंद आएगा और फिर बार बार खाएंगे. ये लीजिए, हो गया हमारा सैंडविच रेडी. इसी डिफरेंट बनाने के शौक में ना मैं नाश्ता भी एक प्रॉपर करना स्टार्ट हो गई हूँ कल से, अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम सैंडविच को बीच में से दो कट कर लेंगे ताकि हम आराम से खा सकें, इसलिए कट करना तो लाजमी है ना. और फिर जब देखें इसको खोलेंगे ना, हाँ ऐसा धुआं निकला था ना मज़े वाला. दूसरा सैंडविच भी मैंने खोलने की कोशिश की, पर वो इतना टाइट चिपका हुआ था और इतना गर्म था कि मेरे हाथ पे लग गया. अब क्या करना है, सेम टू सेम हम प्लेट लेके रह जाएंगे अपनी छोटी सी प्यारी सी टेबल पे और लैपटॉप ऑन करेंगे, थोड़ा सा काम शाम कर लेंगे. एज यूजुअल मेरा कल वाला काम अब तक हो नहीं रहा है. अब करनी है जी खाने की तैयारी. खाने में मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, और ये मुझे पता है कि काली दाल नहीं डलती है मिक्स दाल में, लेकिन बिलीव मी आप डाल के देखो बड़े मज़े की लगती है. वाइट दाल डलती है मिक्स दाल में, लेकिन मुझे भी नहीं पसंद, सैफ को भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं लाती ही नहीं हूँ. हमारे घर में वो आती ही नहीं है, इसलिए वो है नहीं, तो वो हम डालेंगे भी नहीं. जो दालें घर में थी वो सब दालें मैंने मिक्स कर ली, अच्छे से धो ली थी, और उसके अंदर पानी डाल के उसको चढ़ा दिया था. जो साइड में पानी गिरा है ना, उसको कपड़े से कर दीजिए साफ. खैर, हांडी में दाल बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एज यूजुअल अगर हांडी गर्म हो जाती है तो फिर वो गर्म ही होती रहती है. तो बहुत टाइम टू टाइम आपको चूल्हा मैनेज करना पड़ता है. इस टाइम पे देखिए अभी बाल आया नहीं है, पर झागों पर आने लगे थे, तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था और झाग हटाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद ये और उबलती रहेगी और ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी. इसलिए एंड टाइम पे आने से पहले ही मैंने इसको चूल्हा कम कर दिया था. बहुत 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 देर ना मैंने सोच समझ के इसमें बनाया था, और अब इरादे ये थे नेक्स्ट टाइम मैं दाल नहीं बनाऊंगी. तो मेरी नई ईजाद की हुई दाल की रेसिपी मैं आपको आज बता देती हूँ. मैं इसमें कच्ची प्याज डालती हूँ, आधा टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया भी डालती हूँ मैं इसमें. हालांकि दाल में धनिया नहीं डलता, पर मैं डालती हूँ क्योंकि ये मेरी ईजाद की हुई दाल है ना, तो मैं डालूंगी. और नमक डालना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा नमक डालना भूल जाती हूँ. और जब नमक डालती हूँ तो स्टार्ट में मैं थोड़ा कम नमक डालती हूँ, ताकि बाद में हम टेस्ट करके और डाल सकें. बॉयल ऑलरेडी हो चुकी है, तो बस इसको कवर करना और इसको हल्की सी आँच पर रखना, ताकि ये पकती रहे और अपने आप में गल जाएगी. साइड पे बन रहा है मटन का स्टू, तो इसके लिए हम मटन को भूनेंगे और उसको गलने के लिए रख देंगे, तो इसलिए भूनना लाजमी होता है. इंशाल्लाह अब मैं जो इरादे किए हैं कि डेली के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो डेली के व्लॉग में एक ही रेसिपी डालेंगे. तो जैसे आज हम दाल की रेसिपी डाल रहे हैं, तो हम स्टू का बिल्कुल कोई रेसिपी नहीं बताने वाले, सिर्फ इस तरह से दिखाएंगे कि हम गला रहे और रख देंगे. यहाँ पे देखिए हमारी दाल बहुत ज्यादा गल चुकी है. जो टमाटर हमने साबुत डाले थे वो भी गल गए हैं, तो मैं उसके स्किन अलग कर लूंगी. उसके बाद टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से ना मिक्स हो जाएगी दाल में, नज़र नहीं आएगा टमाटर इतना. और चलाइए जी चक्की और अपनी दाल को कर दीजिए मिक्स. ज़्यादा मिक्स नहीं करिएगा, थोड़ी सी मैं साबुत रखती हूँ, ताकि चने की दाल देखें थोड़ी थोड़ी सी साबुत है, काली दाल भी साबुत है, मूंग मसूर की दाल तो ऑलरेडी वैसे ही इतनी मिक्स हो जाती है. यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसलिए, क्योंकि मेरी दाल थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी. अगर आपकी पतली है तो पानी सुखा लीजिए, और अगर गाढ़ी है तो पानी डाल दीजिए. और उसके बाद मेरे साथ ये हादसा हुआ कि मेरे से ढक्कन नीचे ज़मीन पर गिर गया और ये साइड से टूट गया. काफ़ी पुरानी मेरी प्यारी सी हांडी का ढक्कन टूट गया, लेकिन ढकने के काबिल था तो उसको मैंने ढक दिया. हल्की आँच पर दाल पक रही थी, साथ ही मैं तैयार कर रही थी भगार, जो कि तड़का कहलाता है. तड़के के लिए मैंने प्याज ब्राउन की थी, वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी वीडियो के चक्कर में, और फिर उस मैंने जल्दी से ज़ीरा डाला और बहुत ब्राउन हो रही थी, तो मैंने वीडियो बंद की. और उसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैंने उसको जल्दी से डाल दिया था दाल में, क्योंकि मेरी प्याज देख लीजिए कितनी ज़्यादा काली हो गई है. पर डोंट वरी, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था, टेस्ट वैसे ही था, बहुत अच्छा सा था टेस्ट. मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, और देखिए जी खूबसूरत सी दाल हो गई रेडी. और यहाँ पे मेरा स्टू भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस ये भुनेगा और भुनने के बाद ये भी तैयार है. बस अब हमें रोटी बनानी है, और रोटी बना के खाना खा लेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा चुके थे, खाना खा के आराम भी कर लिया है, और अभी ज़रा ताज़ा ताज़ा मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तो मैं खाने के टाइम पे व्लॉग करना भूल गई थी. और अभी शाम का टाइम है, और शाम को मैं बना रही हूँ बनाना शेक. कल जो हमने फ्रूट्स खाए थे उसमें से सिर्फ दो ही बनाना बचे थे, और वो भी थोड़े ज़्यादा से ब्राउन हो रहे थे, तो इसलिए जल्दी से मैंने शेक बना दिया, ताकि इससे ज़्यादा ख़राब की सूरत में ना जा सके.
ये चीनी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, स्पून में इतनी थोड़ी थोड़ी सी चीनी आ रही थी कि इतनी ज़्यादा स्पून डालने पड़े। और बस अब इसको हम कर देंगे कवर और चला देंगे अपना ब्लेंडर। शाम के टाइम बनाना शेक पीना बहुत ही कोई बुरा आइडिया है। खैर हमारे वैसे शाम तो नहीं थी, रात ही हो चुकी थी, 7-8 बज रहे थे जिस टाइम मैं ये शेक बना के पी रही थी। खैर मैंने अपने फेवरेट ग्लास में शेक निकाला और इसके साथ ही पूरा सेट है, इस तरह से कैप और स्ट्रॉ भी है। और ये है जी बर्तन जिनकी बरकत ख़त्म होती ही नहीं है, अभी इतने सारे धो के रखे थे उसके बाद फिर दोबारा आ गए थे। खैर जी बर्तन धो के हम आ गए थे दोबारा अपने लैपटॉप पे, और यहाँ पे ये वीडियोस मेरी अपलोड नहीं होके दे रही। मैंने 3 दफ़ा उनको रीअपलोड कर दी थी, पर किसी के पास इसका हल है तो मुझे बता दें कि ये कब अपलोड होगी। अब हम आ गए दोबारा किचन में और सारे डिशेस हमने साफ कर दिए हैं क्योंकि अब हम खाना तो खाएंगे नहीं, लेकिन मुझे कुछ भूख लग रही थी क्योंकि वो बनाना शेक मैंने नहीं पिया था और ना ही मैंने शाम में कोई फ्रूट खाया था, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा वही सुबह वाला सैंडविच बनाया आलू के साथ। और अब जो चटनी मैं सुबह डालना भूल गई थी वो मैंने इस टाइम चटनी डाल के बनाई क्योंकि मुझे खाना लाजमी था। आजकल मैं सैंडविचेस से बहुत ऑब्सेस्ड हुई हूँ, मुझे पता नहीं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं कि नॉर्मली टोस्ट करके खाने के बजाय आप सैंडविच बना के खा लो तो वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट और क्रिस्पी सा और एक अच्छा सा लगता है। तो आजकल शायद मैं हर डिफरेंट तरीके के सैंडविच ही बना के खाऊंगी अब, जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता और मैं बोर नहीं हो जाती ना इससे, अब मैं यही खाने वाली हूँ क्योंकि इसके अलावा और मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। मैं अंडे खा के बोर हो चुकी हूँ क्योंकि कोई भी रेसिपी अगर मैं बना रही हूँ ब्रेड की तो वो अंडे से रिलेटेड आ रही है, तो इसलिए अभी मैंने अंडे को करना है अवॉइड। लेफ्ट ओवर चीज़ भी होगी तो उसका भी मैं सैंडविच बना के ही खाने वाली हूँ। ये लीजिए हमारा ताज़ा गर्म गर्म सैंडविच हो गया रेडी। अब फरमाइश है पॉपकॉर्न की, तो ये बकेट भर के बनेगा जी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न भी बहुत सारे रखे हुए थे और अब इसमें बनाएंगे हम पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न में मैं ऑयल और बटर दोनों यूज़ करती हूँ क्योंकि एक बटर का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर खाली बटर डालोगे तो वो थोड़ा सा जल जाता है। जब बटर मेल्ट हो जाता है तो उसमें नमक डाल देते हैं और नमक डाल के डाल देते हैं हम पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नमक आ जाए। एक हाथ से तो मिक्स होने रहा था, मैंने दोनों हाथ से मिक्स कर लिया और फिर इसको कवर कर दिया था, वरना आपके पूरे किचन में सिर्फ पॉपकॉर्न होंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। ऑयल या बटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें ताकि फिर पॉपकॉर्न बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे से बनते हैं फ्लफी टाइप के। हमारे पॉपकॉर्न के पटाखे तो स्टार्ट हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में ये पूरा भगोना हमारा फुल हो जाएगा पॉपकॉर्न से। चैंटड़ा है, पॉपकॉर्न रेडी है। अब इसको हम बकेट में ट्रांसफर कर लेंगे। एक हाथ से होगा नहीं तो मैं दोनों हाथ से पहले ट्रांसफर कर लूंगी, उसके बाद दिखाती हूँ कि कितने सारे पॉपकॉर्न बनाए मैंने। यूजुअली एक बकेट बनाती हूँ लेकिन आज दो बन गई थी, तो कोई बात नहीं, खाते रहेंगे, कल तक खा लेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो बच गई थी खाने की वो सब पैक कर दी है मैंने और फिर उसको रख देंगे फ्रिज में। काउंटर साफ़ है तो उसको दोबारा एक दफ़ा साफ़ कर लीजिए दिखाने के लिए कि हम काउंटर साफ़ करते हैं। और फिर बस खाने का सामान उठाना है, लाइट ऑफ करनी और चले जाने, किचन क्लोज। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही दफ़ा आपका किचन क्लोज हो जाए? किचन दोबारा खुलेगा और फिर फरमाइश पूरी की जाएगी और साथ साथ ये भी आएंगे भाई साहब, क्योंकि बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फरमाइश ये है कि भाई रूह अफ़ज़ा की बॉटल एंड हो गई है, इसको दोबारा रिफ़िल कर दिया जाए। तो फिर मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया, खैर रूह अफ़ज़ा नहीं, मेरे पास जामी शीरी था, रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो चुका है। इसी बॉटल में मैंने चीनी और रूह अफ़ज़ा डाल दिया था और फिर इसको कर दिया था शेक 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 शेक, क्योंकि बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है चीनी इस तरह शेक करने से। और जब चीनी और रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो ही गया तो सिर्फ पानी रह गया था, पानी डाला और ईजी पीजी बगैर बर्तन गंदे की हमारा हो चुका है रूह अफ़ज़ा रेडी। किचन फाइनली क्लोज। और अब देख रहे हैं सीरीज विद पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न की टेबल पे जगह ही नहीं थी तो उसको रख दिया नीचे। सीरीज मैं नहीं देख रही थी, मुझे सोना था, लेकिन कैसे सो सकते हैं, अभी तो किचन क्लोज नहीं हुआ। रात के 1:30 बजे मैं दोबारा किचन में आ गई थी क्योंकि याद है ना खाना तो खाया ही नहीं है, तो इसलिए बेटाइम भूख लग चुकी है। सीरीज देखते हुए मैं सिर्फ नींदों में बना रही हूँ सारी चीज़ें। फ्रोजन पराठे रखे थे मैंने, वही फ्राई कर देने हैं क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है कि मैं रोटी बनाऊँ। और ये सालन मैंने दोबारा फिर से निकाला और फिर उसको पैन में डाल के कर दिया है जी गरम। और यहाँ मैं फुल स्पीड में कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पराठे जल्दी से फ्राई हो जाएं, लेकिन ये इतने फ्रोजन थे कि उनको पकने में बहुत टाइम लग रहा था और साथ साथ मैं सालन भी दिखती जा रही थी कि वो जल ना जाए, लग ना जाए नीचे। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं पराठे फ्राई कर रही हूँ और सालन देख रही हूँ और पराठे फ्राई कर रही हूँ। दोनों पराठे फ्राई हो गए हैं, प्लेट में निकाल लिया है सालन और अब इसको लेके जाना है अंदर। हमारे घर में ट्रे भी है जो कि बहुत ही कोई कम यूज़ होती है, जो बहुत कम यूज़ होने में वो आज का दिन है, जो आज ट्रे यूज़ हो रही है जिसमें मैंने पराठा और सालन और साथ में पानी भी रखा था क्योंकि पानी के बगैर खाना कैसे खाएंगे। और अब फाइनल लाइट क्लोज होगी तो अब नहीं खुलेगी क्योंकि अब मैं कमरे में आ चुकी हूँ और अब मुझे सिर्फ सोना है। नो डिस्टर्बेंस, गुड नाइट। जो भी बर्तन गंदे हुए हैं वो सब सुबह धुलेंगे। अल्लाह हाफिज़।